पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड क्रिएटर्स अकाउंट। इंस्टाग्राम पर ये तीन तरीके के अकाउंट बनते हैं, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर पर्सनल अकाउंट बनाना चाहिए आपको या बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट। तीनों के ही क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके लिए कौन सा सही है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। तो जैसा मैंने बताया, आज हम इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, साथ ही हम उनको स्विच करना भी देखेंगे कि कैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानना है, ठीक है, कि हु आर यू। ठीक है, इंस्टाग्राम को आई थिंक तीन तरह के लोग जो हैं यूज करते हैं, ठीक है, और उन्हीं के लिए ही ये तीन अलग अलग अकाउंट हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। पहले टाइप के पर्सन होते हैं इंस्टाग्राम पर, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पर इसी तरह के लोग हैं, वो लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम को अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है यूज़ करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, जिन्हें अपने फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्ट होना है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। अदरवाइज उनका कुछ भी प्रॉफिट मेकिंग जो है मोटिव नहीं है, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड मोटिव नहीं है, उनका बस यही मोटिव है, दे जस्ट वॉन्ट टू शेयर देयर पर्सनल थिंग्स, अपनी पर्सनल जो अपनी लाइफ में उनके जो हो रहा है वो शेयर करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम पर है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट होता है पर्सनल अकाउंट, इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हो, कई सारे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट रील्स देख सकते हो, डिफरेंट पोस्ट देख सकते हो, खुद को एंगेज रख सकते हो, मैसेजिंग आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। उसके साथ ही इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट पर एक और आपको ऑप्शन मिलता है, दैट इज इंस्टाग्राम को आप प्राइवेट भी कर सकते हो। प्राइवेट एज इन कि इंस्टाग्राम पर जो भी पर्सन अवेलेबल है, हर कोई आपके प्रोफाइल नहीं देख सकता, हर कोई आपकी प्रोफाइल से जो है नहीं जुड़ सकता, वो उनको वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फॉलो करने के आपको, तभी वो आपकी प्रोफाइल देख पाएंगे। तो ये प्राइवेट का ऑप्शन होता है, ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो इसी अकाउंट के लिए हैं, दैट इज मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर हैं अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट, जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए पर्सनल अकाउंट होता है। सेकेंड टाइप का हमारा जो अकाउंट होता है वो होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो जो बिजनेस अकाउंट है वो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इट इज फॉर द बिजनेसेस। ठीक है, जो भी हमारे बिजनेसेस हैं, या तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप एक कोई ब्रांड हो, या फिर आप कोई एक ऐसा बिजनेस हो जो इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपनी सेल्स करना चाहते हो, आप चाहते हो इंस्टाग्राम पर ही लोग आपको कनेक्ट करें और आपसे कुछ ना कुछ परचेज करें, सो यू आर अ बिजनेस पर्सन। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, कोई सर्विस भी आप दे सकते हो, इट डजंट मैटर कि कुछ प्रोडक्ट ही हो। उसके अलावा मान लीजिए आपकी बाहर कोई कंपनी है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर सेल्स करना नहीं चाहते, लेकिन बाहर आपकी कोई कंपनी, कोई ब्रांड है, आपने उसका एक बिजनेस अकाउंट जो है इंस्टाग्राम पर बना रखा है, तो आप सभी के लिए ये क्या होगा, बिजनेस अकाउंट होगा। अब बिजनेस अकाउंट में जैसा मैंने आपको प्राइवेसी वाला ऑप्शन बताया था, पहली चीज प्राइवेसी वाला ऑप्शन। ठीक है, सो बिजनेस अकाउंट इज फॉर द बिजनेसेस, आप इस अकाउंट को बना रहे हो टू प्रमोट योर बिजनेस, टू प्रमोट योर सर्विसेज, टू प्रमोट योर विजिबिलिटी। आप ओवरऑल अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बनाया है। थर्ड टाइप के लोग होते हैं क्रिएटर्स, और आई थिंक इंस्टाग्राम पर आपको सबसे ज़्यादा जो एंटरटेनर्स मिलेंगे वो क्रिएटर्स पार्ट में ही मिलेंगे। क्रिएटर्स का मतलब है कि आप कुछ भी क्रिएट करते हो। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, कि आप एक डांसर हो, यू वॉन्ट पीपल टू शो योर आर्ट, आप अपनी आर्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आप अपना डांस दिखाना चाहते हो, एंड यू वॉन्ट ऑडियंस फॉर दैट। तो आप कहीं ना कहीं लोगों को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तो आप क्या हुए, एक क्रिएटर हो। ठीक है, क्रिएटर का मतलब है यहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएटर से, तो किसी भी तरीके का आप कॉन्टेंट बना रहे हो, यू आर अ क्रिएटर। आप कोई ब्लॉगर हो, आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो, आप ट्रैवल से रिलेटेड लोगों को बता रहे हो, आप एक फूड ब्लॉगर हो, फूड से रिलेटेड आप
चीज़ें जो हम लोगों को बता रहे हो, या फिर आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक डांसर हो, आप एक सिंगर हो, ठीक है. सो नो मैटर इनमें से आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम कम्युनिटी को वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, उनको इंटरटेन कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप क्या हुए, आप हुए एक क्रिएटर, ठीक है. तो जितने भी आर्टिस्ट हो गए, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जितने भी ब्लॉगर्स हो गए, वो इस कैटेगरी में आए. क्योंकि आपका मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं है, आपका मेन मोटिव क्या है, कॉन्टेंट क्रिएट करना, लोगों को एंगेज करना. अब यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो ये क्रिएटर्स होते हैं, इनका भी मोटिव यही होता है कि पैसा अर्न करना. लेकिन वो पैसा कैसे अर्न करते हैं, वो अर्न करते हैं कि उनको जो प्रमोशन के लिए पैसा दिया जाता है, मान लीजिए आपके 1,00,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो आपके पास 1,00,000 ऑडियंस है, तो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो आपको कुछ मतलब ऑफर करती हैं, बोलते हैं कि भाई आप हमारे इस ब्रांड का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर सर्विस का आप जो है रिव्यू दीजिए, या फिर हमें जो है प्रमोट कीजिए. तो वो क्रिएटर्स को वैसे पैसा वो अर्न करते हैं. और बिजनेसमैन कैसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपने ब्रांड को सेल करके, ठीक है. और पर्सनल अकाउंट वाले जो हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने आए हैं, और अपनी पर्सनल जो है कम्युनिकेशन करने आए हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से. तो ये तीन तरह के हमारे जो लोग होते हैं वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर. उनके लिए ये तीन अकाउंट्स हैं, वन इज पर्सनल अकाउंट, वन इज बिजनेस अकाउंट, एंड वन इज क्रिएटर अकाउंट, ठीक है. अब जल्दी से क्विकली इन तीनों अकाउंट्स का एक वो देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है. देखो, सबसे पहला एडवांटेज जो कि आपको बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट में मिलेगा और जो आपको पर्सनल में नहीं मिलेगा, वो है इनसाइट्स, ठीक है. आपके जो पोस्ट हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके जो कितने फॉलोवर्स आपके आ रहे हैं, कितने आपके लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं, आपके जो एक पर्टिकुलर आपका जो पोस्ट है उसकी कितनी एंगेजमेंट है, ये कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने सेव किया है, ये प्रॉपर इनसाइट डेली बेसिस पर आपको जो है इंस्टाग्राम बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में मिलेगा. आपको ये नहीं मिलेगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है. क्योंकि अगर आप एक फॉलो क्रिएटर हैं, अगर आप एक बिजनेस मैन हैं, तो डेफिनेटली आप ये देखना चाहेंगे कि आपका अकाउंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है. उसके अलावा एक जो बहुत ही अच्छा फीचर है, और आई थिंक सभी बिजनेस मैन और क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दैट इज यू कैन अपग्रेड योर इनबॉक्स, ठीक है. पर्सनल अकाउंट में हमें सिर्फ एक ही इनबॉक्स देखने को मिलता है, जो भी हमें मैसेजेस आते हैं वो वहीं देखने को मिलते हैं. लेकिन आपको क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में ऑप्शन मिलेगा दो तरह के इनबॉक्सेस रखने का, वन इज जनरल, वन इज प्राइमरी. प्राइमरी के अंदर आप अपने वो सारे मैसेजेस जिनको आप प्रायोरिटी पर रिप्लाई करना चाहते हो, जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, या फिर जिनसे आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप बात करते हो, वो आपके प्राइमरी में आ जाएंगे. और एक जनरल में आपके वो मैसेजेस होंगे जिनको आप मतलब इग्नोर करना चाहते हो, या फिर आप मतलब इतने ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं है, वैसे आप जनरल वाले मैसेजेस को प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो. जनरल में आपको रिक्वेस्ट आती है कि इसको प्राइमरी में शिफ्ट करना है या नहीं, ठीक है. तो ये आपको अपग्रेड योर इनबॉक्स वाला जो ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स एंड बिजनेस अकाउंट. नेक्स्ट हमारी चीज है इंस्टाग्राम एड्स. तो इंस्टाग्राम एड्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने पोस्ट को, अपने पिक्चर्स को, अपने वीडियोस को, अपने रील्स को प्रमोट कर सकते हो बाय यूजिंग द एड्स, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में मिलेगा. उसके अलावा सेव द रिप्लाईज, क्योंकि अगर आपका एक बिजनेस है, अगर आप एक क्रिएटर हो, तो बहुत सारे मैसेजेस आपको आएंगे बल्क में, चाहे किसी बिजनेस को क्वेरी करने के लिए आए, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपसे कोई भी डील करने के लिए पर्सन आए, तो आप सेव्ड रिप्लाईज पहले करके रख सकते हो, पहले से कुछ पिक्स से रिप्लाई करके रख सकते हो, और सिर्फ एक ही क्लिक से आप उनको शेयर कर दोगे. इसकी हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे इस कंप्लीट कोर्स में. उसके अलावा पेड पार्टनरशिप वाला टैग, क्योंकि अब जैसे आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो डेफिनेटली लोग आपसे पेड पार्टनरशिप करेंगे. तो वो जो पेड पार्टनरशिप वाला जो एक टैग आता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा क्रिएटर एंड बिजनेस अकाउंट में, या आपको पर्सनल मिलेगा. नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम शॉपिंग. इंस्टाग्राम शॉपिंग जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, लोग वहीं से ही क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाकर या आपके प्लेटफॉर्म पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, दैट इज द ऑप्शन ऑफ इंस्टाग्राम शॉपिंग. तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट में मिलेगा, ठीक है. लेकिन आज के टाइम में बिजनेस एज वेल एज क्रिएटर दोनों को ही ऑप्शन दिया गया है. लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बिजनेस पर्सन है या ब्रांड है, वो भी इसको ज़्यादा यूज करेगी, बट ये ऑप्शन दोनों ही, क्रिएटर और बिजनेस दोनों के लिए पर्सनल के लिए रहेगी.
उसी के साथ में कंटेंट शेड्यूलिंग यानी कंटेंट कैलेंडर, इंस्टाग्राम कैलेंडर वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में मिलेगा, क्योंकि इसी केस में एकदम बल्क में जो है पोस्ट मारे जाते हैं और रेगुलर जाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप देखते हो प्रोफाइल के जस्ट नीचे ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट, वहां पर फिर नंबर आ जाता है कॉल या ईमेल, तो वहां से एक ही क्लिक से पर्सन आपको कॉल कर सकता है, आपको ईमेल कर सकता है। ये ऑप्शन सिर्फ आपको बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में मिलेगा, पर्सनल में नहीं मिलेगा। उसी के साथ में क्रिएटर वाला जो अकाउंट है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि इंस्टाग्राम का एक क्रिएटर स्टूडियो करके फीचर है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि एक बिजनेस अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट वाला पर्सन नहीं कर सकता है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने समझा कि पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड क्रिएटर्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई ब्रांड सेल कर रहे हो, आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो अपने ब्रांड या बिजनेस की, तो आपके लिए बिजनेस अकाउंट इज द बेस्ट। अगर आप एक क्रिएटर हो, जो मैंने अभी आपको बताया, यू आर अ ब्लॉगर, यू आर अ राइटर, यू आर अ और किसी भी तरह का आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, मेकअप आप लोगों को टीच करते हो, फैशन इन्फ्लुएंसर हो, तो आप सब आ जाओगे क्रिएटर वाले हो, ठीक है। और पर्सनल में सिंपली जब इंस्टाग्राम को आपको सिर्फ पर्सनल अपने यूज के लिए जो है, तो इंस्टाग्राम को जब आप अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ अपडेट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली से कनेक्ट होने के लिए यूज कर रहे हो, तो पर्सनल अकाउंट इज द बेस्ट। तो ये तीन तरह के अकाउंट हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको एक पर्सनल अकाउंट बनाना है या क्रिएटर बनाना है या बिजनेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। आगे मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंस्टाग्राम का, एकदम कम्प्लीटली फ्री WsCube Tech यूट्यूब चैनल पर, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करो, उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखो, एक भी वीडियो उसमें से मिस मत करना, बिकॉज कंप्लीट एडवांस आज के टाइम के लिए अपडेटेड कोर्स ये चल रहा है। तो मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।